कैसे में रहते हैं और आप जो है अपनी री एंट्री का प्रोसेस जानना चाहते हैं, वेकेशन जा रहे हैं आप और आप जानना चाहते हैं कि री एंट्री वीजा का क्या जो है प्रोसेस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में आप जान पाएंगे जो री एंट्री वीजा का जो है क्या जो है प्रोसेस रहता है और कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जो है उसमें जो है जरूरत पड़ती है आपके डॉक्यूमेंट की, ये सारी चीज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। करने का फायदा यही है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफॉल्ट आपको आपका मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या जो है उसका प्रोसेस होता है और कैसे जो है आप री एग्जिट एंट्री वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जो उसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सब चीजें क्लियर आपकी होने वाली हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो यह है कि अगर आप जो है री एंट्री वीजा जो होती है क्या होती है, पहले तो ये बता दूं आपको, री एग्जिट वीजा जो होती है ये जो है आपकी, जैसे कि आप वेकेशन जा रहे हैं तो आपको जो है सऊदी अरब में जो है दोबारा एंट्री आपकी हो जाए उसके लिए जो है आपको री एग्जिट वीजा एंट्री वीजा लगवानी पड़ती है, जो कि आपकी तरफ से होती है। आप जैसे कि आप 1 मंथ के लिए जा रहे हैं तो इसकी फीस जो है, इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो 1 मंथ की जो है इसकी फीस जो है वो आपकी जो है 200 सऊदी रियाल है, और अगर आप 2 महीने जा रहे हैं तब भी जो है आपकी ये 200 सऊदी रियाल है, और इसके अलावा 3 महीने जा रहे हैं तो 300 रियाल। ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको, 2 मंथ आल्सो 200 सऊदी रियाल, और अगर आप जो है 3 महीने के लिए जा रहे हैं 3 महीने के लिए 300 रियाल, और 4 महीने के लिए 400 रियाल, और 5 महीने के लिए 500 रियाल आपके जो है इसमें लगते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, तो ये तो इसकी मैंने जो है फीस बता दी और एग्जिट वीजा कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी हुई तो आप जो है कैसे वाली जो मेरे प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया कि कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक देखिएगा, पहले आपको क्या है इसमें, सबके पहले आपको जो है इसकी फीस जो है पे करनी पड़ती है। फर्स्ट यू हैव टू सबमिट योर फीस। फीस अब देखिएगा इसमें अलग अलग तरीके, ATM से भी कर सकते हैं या अगर आपके ऑनलाइन बैंकिंग है तो ऑनलाइन से भी जो है आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू सबमिट योर फीस। ठीक है, फीस अब फीस का जैसे कि मैंने बताया, फीस इसमें जो है 2 तरीके होते हैं, बाई ATM और बाई ऑनलाइन बैंकिंग और बाई ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग का भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और जो है ATM से कैसे करते हैं उस पर भी कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है अपनी जो भी कंपनी में या किसी भी शिरका है आपका या कफील है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भी मैं जो हूँ वेकेशन जा रहा हूँ, मुझे जो है ये वीज़ा चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप जो है ये फीस पे कर देते हैं तो जो भी आपका ऑनर होता है, कंपनी हो या आपके जो भी कफील हो, तो वो जो है अपनी जो है उनके पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप उनके अंडर में हैं, उन्होंने आपको वीज़ा दी है, तो वो क्या है कि उनकी वो जो है आपको ऑनर ऑथराइज करेगा, तब जो है आपका ऑथराइज योर री एंट्री वीज़ा। जैसे ही जो है वो ऑथराइज करेगा अपने अपशेयर अकाउंट पे जा करके, वो जो है उसको जो है क्या करेगा, उसको जो है अपशेयर पे जा करके वो आपको जो है आपकी फीस, उसके पास मैसेज आ जाएगा कि आप जो है री एग्जिट वीजा के लिए आपने फीस पे कर दी है, तो वो जो है अपशेयर पे जा करके आपका जो ये जो फीस पे हुई है उसको जो है वो ओके कर देगा। ओके, तो फिर उसके बाद आपको जो है ये वीजा ऑनलाइन शो होने लगेगी, ऑनलाइन शो होने लगेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन शो होने के लिए मैंने वीडियो भी बनाई, उसका जो है आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिएगा eServe.com.sa पे मैं देखिएगा कोई भी एक जो है लेकर के आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा एकामा नंबर आपको डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एकामा नंबर जो भी आपका एकामा है तो आप यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कुछ भी आप जो है ले सकते हैं, लेकर के इसे डाल सकते हैं। यहाँ से देखिएगा मैं डाल देता हूँ ये, यहाँ से मैं जो हूँ ये नेम डाल देता हूँ, नेम भी डाल सकते हैं, कामा नंबर। तो यहाँ से देखिएगा मैंने ये डाला और इसे चेक किया, तो यहाँ से देखिएगा ये जो है ये शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है,
ये जो है इसमें सिंगल री एग्जिट एंट्री वीजा मैंने लगवाई थी इस पर, तो ये जो है यहाँ पर ये शो करने लगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी मोबाइल पीसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड, तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और जो भी आपकी क्वेश्चन क्यूरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए जो कि मिल भी रहा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।